ये जो कोरमोलास है काफी क्रिस्प और बनाने में भी बहुत ही आसान है रेसिपी, बहुत ही क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है ये, इसे कलकल भी कहा जाता है। हम शुरू करते हैं कोरमोलास, उसे कलकल भी कहा जाता है। बाउल के ऊपर एक छन्नी रख दी है और इसके अंदर हम डालते हैं मैदा। मैंने मैदा लिया हुआ है 1 कप और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1/4 कप यहाँ है पाउडर शुगर और इसी के साथ हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पर लिया मैंने 1 टेबलस्पून सूजी, ये फाइन सूजी है, अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे फाइन करके ले लीजिए, मिक्सी जार में पीस लीजिए। ये है नटमेग जैसे कि जायफल, ये मैंने लिया हुआ है 1/4 टीस्पून। कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा घी, मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म करके लेना है हमें। ये है 1 टेबल स्पून और इसी के साथ जाएगा अंडा, 1 अंडा ले लिया, ये इसके अंदर डालेंगे हम। और अब इसे हम थोड़ा सा अंडा डाला हुआ है तो हमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालना होगा, ये मैंने लिया हुआ है वेनिला एसेंस और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दूध। मैंने दूध यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करके ले लिया है, वैसे तो इसमें कोकोनट मिल्क होता है, अगर आप चाहे तो कोकोनट मिल्क में इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ऐड कर दीजिए। ये हमारा डो रेडी हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट अच्छा बना हुआ है। अब इसे हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं इसे, और इसे हम ढक के रख देंगे। इस कपड़े से मैं इसे अच्छी तरह से ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसे रेस्ट करके 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कपड़ा निकाल दिया मैंने। इसका हम एक थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं इस तरह से, एक हम इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। पेड़े को हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह से बेलेंगे। इस तरह से इसे बेल लिए, ना ही ज्यादा मोटा ना ही ज्यादा पतला, ये हो गया हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे, इससे इस तरह से इसे काट लेंगे। इस तरह से काटेंगे, अब हमें इसे शेप किस तरह देना है, देखिए एक इस तरह से निकालिए। इसे हमें ऐसे पकड़ के ये जो पार्ट है यहां से लेके इसे इस तरह से इसे जोड़ दीजिए, ये हो गया। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैं और एक बता देती हूँ आपको, ये निकाला हमने, इसे हमने इस तरह से किया और ये जो है यहां से जो है यहां से पकड़ के इस तरह से इसे इस तरह से जोड़ दिया और इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, बस हो गया। ये हमारे बन गए शेप बहुत अच्छे। अब इसी तरह से देखिए, ये देखिए मैं इसी तरह से इनको बना के लूंगी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये जो कोरमोलास बना के रखे हुए वो इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम पर रख देते हैं। ये हमारे कोरमोलास बन के रेडी हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं बाकी के सारे बना के रेडी कर दूंगी। ये देखिए, ये जो कोरमोलास है काफी क्रिस्प और बनाने में भी बहुत ही आसान है रेसिपी, बहुत ही क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है ये, इसे कलकल भी कहा जाता है। ये
कोरमोलास या तो कलकल हमारे रेडी हो गए, बहुत ही क्रिस्प बने हुए। देखिए बहुत ही क्रिस्प है। और ये रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।